वंदित पाद पद्मम् लोके जरार भय मृत्युनाशम् दातार भीषम् विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोका दधतम् मृतघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गम् कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण शुरू करेंगे। अभी कुछ देर पहले यूट्यूब पे हमारा पांच भौतिक चिकित्सा का सीरीज हुआ, तीसरा भाग हुआ, तो यूट्यूब में आप लोग जाके देख लीजिए। और जो लोग कनेक्ट होना चाहते हैं डायरेक्ट, तो वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप लोगों के पास मेरा नंबर है, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं लिंक दूंगा। पांच भौतिक चिकित्सा जो है वो एक अलग ही तरह का चिकित्सा है, और उससे हमारा एक अलग तरह का आयाम बनता है कि कम मात्रा में जब दवाइयां देते हैं तो वो पेशेंट के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव होती है और अच्छा रिजल्ट भी होता है और मजा आता है। एकदम मैथमेटिकल उसमें कैलकुलेशन की तरह दिया जाता है। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड तो बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट जुड़ के डिस्कस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। आयुष दर्पण का व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने से आप लोगों को बहुत सारे नोट्स और अलग अलग जानकारियां मिलेंगी, और दिन भर जो चर्चाएं होती है हमारे क्लिनिकल मतलब केस टेकिंग से लेके सब, तो वो बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं सब लोग ज्वाइन हो जाए तो आप लोगों को फायदा होगा। बाकी हम लोग अभी क्लिनिकल डिस्कशन शुरू करते हैं, तो मैं सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो लोग बात करना चाहते हैं वो लोग अनम्यूट करिए और अपने अपने केसेस बताइए या डाउट पूछिए। सबके सब आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आयुष दर्पण जो प्लेटफॉर्म है सभी लोगों को सम्मान करता है और सभी लोगों को रेस्पेक्ट देता है, तो आप सभी की बात सुनी जाएगी यहाँ पर। कोई भी हमारे लिए ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है या बड़ा है, सभी ज्ञानवान है और सभी का बात है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग बात करना चाहते हैं कृपया अनम्यूट करिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर पूजा मैम से बुलाऊंगा। पूजा मैम, प्रशांत भट्ट जी, कुछ बताइए अपने केसेस। एक डॉक्टर दीपाली अगरकर मैम आई है जो मुंबई से जुड़ी है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। हेलो सर। हाँ, कैसी है पूजा मैम? प्रणाम सर। सर अच्छी हूँ। हाँ बताइए, आपके पास कैसे पेशेंट आए, कुछ अनुभव या डाउट? सर मेरे पास अभी तो अग्नि माध्य के पेशेंट है, और मेरे आईज के जो पेशेंट है वो दो बच्चे हैं और एक 32 साल के, उनके ट्रीटमेंट चल रही है सर। हाँ। और सर मुझे स्पेशली आपसे ये बात करनी थी कि अभी बरसात का सीजन है तो ठंडी शुरू हो गई है, तो सर मेरे हस्बैंड को जो ट्राइजेमिनल नोरालजिया था अभी समर में उनको अच्छा था, बिल्कुल मेडिसिन नहीं ले रहे थे सर, तो अभी उनको फिर से नोरालजिक पेन शुरू हुआ है सर। तो मैंने आपसे वो वात गजांग कुश रस और एकांग वीर रस इसीलिए मंगवाया, और महायोगराज गूगल सर आपका मेरे पास है ही, और प्लस में सर उनका बृहद्वाद चिंतामणि रस चल ही रहा था, ये तो कंटिन्यू ही है, और सर उनको मैं पाचकेंद्र रस, सूक्ष्म त्रिफला और लसुन आदि वटी ये दे रही हूँ सर,
अभी मैं वाद गजांग कुश रस और एकांग वीर रस ऐड करने वाली हूँ सर, और उनका जो नस्य कर्म है वो तो सर मतलब कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। अभी समर में उनको पेन नहीं था तो सर बीच बीच में स्कीप हो जाता था, लेकिन अब तो मैंने कंटिन्यू फिर से स्टार्ट कर दिया है। और सर अभी मैं उनकी मात्रा बस्ती स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो सर मैंने ऐसा सोचा है कि तिक्त क्षीर बस्ती और एक दिन अनुवासन बस्ती, उसमें अल्टरनेटिवली क्षीर बला तेल और महाविष गर्भ तेल यूज करना चाहती हूँ सर। तो सर थोड़ा सा मुझे मात्रा बस्ती के बारे में पूछना था कि वो कैसे करना है। मात्रा बस्ती में स्नेहन शोधन करने की जरूरत नहीं होती है खास, तो जी आपको सर, करना है तो कर सकते हैं, कमर में सेक दे सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं होती है उसमें। लेफ्ट जी सर, लेटरल पोजीशन में पेशेंट को लिटा दीजिए, नीचे का जी पैर सर, सीधा, ऊपर का थोड़ा फोल्ड करके, और आप जी सर, 50 ml देना चाहते हैं या 100 ml देना चाहते हैं, सिरिंज में भरिए, ठंडा नहीं होना जी सर, चाहिए, या तो कोश न करिए या रूम टेम्परेचर में, लेकिन अगर आपकी उधर जी सर, ठंडी पड़ रही है तो थोड़ा कोश न कर दीजिए, और उसको फिर जी आप K90 का कैथेटर लगा के या सिंपल कैथेटर लगा के बस्ती पुश कर दीजिए। पुश करने के बाद पेशेंट को 15-20 मिनट लेटाए रखिए उसी पोजीशन में, उसके बाद में वो पेशेंट रात भर रखेगा, 6 से 12 घंटा पेट में रहना चाहिए। जी सर। हाँ, तो सर शाम को मतलब भूखे पेट ही देनी है या खाना खाने के बाद हम भी दे खाना खाने सकते के हैं बाद सर? देते हैं, खाना वाना खा के सब कुछ करें, और दूध नहीं देना होता है, दूध दे दिया तो गैस बन के प्रेशर आके निकल जाता है, तो दूध थोड़ा जल्दी दे दिया करिए 2-3 घंटा जी पहले। जी और सर, हम दिन दूध यूज ही नहीं करते खाने में, क्या, दूध तो यूज ही नहीं करते दूध क्यों नहीं यूज करते, दूध तो जरूरी है ना। सर, रात को नहीं यूज करते, सुबह पीते हैं हाँ सर। बराबर, ऐसे करिए। और हाँ सर, बीच ऐसा में कभी कभी तेल का बस्ती देंगे आप तो अग्नि मंदता हो गया, तो आप काढ़े का बस्ती दे सकते हैं कभी अगर हुआ तो। ठीक है सर। और आपने अपने हस्बैंड को नस्य क्यों नहीं दिया पहले, तो मुझे आपके आप पे गुस्सा है। सर वो क्या था कि समर की वजह से उनको बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था, तो सर वो स्कीप कर रहे थे नस्य, अभी और कितना दर्द मैं हो रहा है, फिर से बढ़ गया ना। हाँ सर, उनको डेली बीडी डोज में ट्रामाडोल लेनी पड़ती है, और जब बारिश होती है, अभी हमारे यहाँ 11 इंच बारिश हुई थी एक ही दिन में, तो सर बहुत ही ठंडी का माहौल हुआ था, तो उन्होंने एक्स्ट्रा डोज में भी ट्रामाडोल ले ली थी सर, तो फिर उसके साइड इफेक्ट में क्या हुआ सर, उनको सीवियरली मतलब नोजिया ऐसा होने लगा, और सर बहुत ही चक्कर आ रहे थे, तो वो पूरा दिन सोए रहे हैं सर, वो उठ ही नहीं पाए क्योंकि चल ही नहीं पा रहे थे सर। वही मैंने अभी पांच भौतिक चिकित्सा में बताया ना कि सुश्रुताचार्य जी ने बोला है कि एक व्याधि हो रही है तो दूसरी व्याधि ना हो जाए, एक का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तो दूसरा व्याधि ना हो जाए, वो मेडिसिन तो गलत मेडिसिन है एलोपैथी का। तो हाँ सर आप अभी क्या करिए, आप उनको जी प्यार सर, से नाक में तेल का नस्य दे दीजिए और ठीक जी हो जाए, सर, और वहां पे ठंडी का मौसम है ना, बारिश हो रही, पुणे में भी करिए, तो आप महाविष्कर्म तेल को उनके जहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व का आपको पता चल रहा है वहां पूरा ऑयल ऑयल लगा के रखिए, उससे उनका पेन कम हो जाएगा। ठीक है। और सर कर्णपूरण भी करना है ना, आपने लास्ट टाइम बोला था सरसों तेल से, हाँ, सरसों के तेल से कर्णपूरण करिए, और ठीक वो है सर। कर्ण और करके थोड़ा सा कोष्ण तेल करिए, ज्यादा जलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कोष्ण करके डाल दीजिए, और उसके बाद में वो लेटे रहे आधा घंटा 1 घंटा बस्ती लेने हाँ के, सर, फिर उधर कॉटन डाल दीजिए कि लीक ना हो। जी सर, जी सर। और सर इंटरनल मेडिसिन में ये ठीक है ना सर, वात आप जो दे रहे हैं गजांकुन? एक नंबर है, ठीक है, अगर वो ठीक है सबसे सर। नहीं होगा तो आप मुझे बोलेगा, मैं भेज दूंगा। और हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन आप नस्य जरूर दीजिए, नस्य के बिना वो ठीक नहीं होंगे। जी सर, जी सर। अभी तो उनको ही पेन हो रहा है और वो ही इतने परेशान है, तो और वो एलोपैथी उससे पे ही मत जाइए, एलोपैथी का क्यों देते हैं आप लोग। सर, उनको उनको मतलब आदत हो गई है ना कि जब भी दर्द हो तो ये गोली ले लो तो दर्द सबसाइड हो जाएगा, बॉडी को कितना तो नुकसान करता है वो सब दवाई केमिकल। हाँ सर, उनको जब कल मतलब पूरा दिन चक्कर आए थे और वो लेटे रहे थे, तब मैं उनको बहुत ही डांटी थी, और मैंने समझाया भी था कि जिसकी इतनी ज्यादा तकलीफ होती है तो आप ये क्यों ले रहे हो ऐसा करके सर, तो फिर वो भी ऐसे लेना चाहते हैं, उनको भी पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है सर। क्योंकि
ठीक है, आगे आप इतना ठीक कर दीजिए कि ये कंडीशन आए ना। ठीक है सर, थैंक ऑल द बेस्ट यू, थैंक यू सर, थैंक यू। जी। एक डॉक्टर दीपाली अगरकर मैम कुछ बोलना चाहती हैं, मुंबई की डॉक्टर। डॉक्टर दीपाली मैम, आपके उधर बारिश हो रही है क्या? मैम शायद नहीं है। हाँ नमस्ते सर। आपके उधर बारिश हो रही है क्या मुंबई में? हाँ सर, बारिश चालू है आज कैसा लग रहा है मुंबई की बारिश? तो। मुंबई की बारिश कंटिन्यूस चलती रहती है सर। हाँ, आप कहाँ मतलब प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ रहती हैं मुंबई में? मीरा रोड ठाणे सर, ठाणे। मीरा रोड थाने। अच्छा, हाँ अभी न्यू न्यूली सेटअप डाला है पंचकर्मा का, जी। तो कैसा चालू है। रिस्पॉन्स कैसा है आपको थाने में तो बहुत रिस्पॉन्स अच्छा। चालू है सर, पेशेंट पर चालू है। एक न्यूली पेशेंट है, एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, कल हाँ आपको बताती हूँ सर उसका। थोड़ा जी, अभी एक पेशेंट है, मैं थोड़ा ओपीडी निकाल के लेती हूँ और कल आपको बताती हूँ। आपका अगर मीरा रोड थाने में प्रैक्टिस जम गया ना तो आप मल्टी बिलियनियर हो जाएंगी, इतना मतलब वहां पे है पेशेंट कैपेसिटी। आपके आशीर्वाद हाँ, से सब होगा सर। आपके जैसे गुरु मिले तो सब सबका ही अच्छा ही होना है। पेइंग कैपेसिटी है, बस आपका ट्रीटमेंट परफेक्ट होना चाहिए। हाँ सर, और मुंबई आर्थिक राजधानी है तो गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, और बहुत ज्यादा हाईली हाई लोग भी हैं बहुत ज्यादा ठाणे में, तो हाँ सर, इसीलिए आपको बहुत मतलब करोड़ों की जनता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है वो। हाँ सर। हाँ एक पेशेंट चालू है सर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, हाँ उसका अभी पिंडस वेद, शिरोधारा नस्य, और बस्ती, तिक्तशीर बस्ती, मांसरस बस्ती, अभी काफी अच्छा रिजल्ट है सर उसको। 1 month में उसका सीपीके एंजाइम जो 800 तक गया गया था, अभी वो 400, 1 month में 400 आ गया। आप थोड़ा डिटेल में बताए ना, इंटरनली क्या दिया, और भी लोग लिख लेंगे ना। सर एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं कि वो पतंजलि से मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन हाँ उनको अच्छा रिस्पांस नहीं था, उसको थोड़ा सा वर्टिगो वगैरह आ रहा था, फिर सर में दर्द भी था, तो फिर उन्होंने पंचकर्म स्टार्ट करवाया मेरे पास, तो उसको वर्टिगो था, बाकी जो सिम्टम्स थे वो कम हो गए उसके। अभी वो यानी वीकनेस था, मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ सर ये केस, थोड़ा तो ठीक है, कोई पेशेंट है तो देख बात लेती हूँ। ठीक है ठीक है। देखिए पेशेंट बहुत अच्छा है, देखिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, पेशेंट भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। मुंबई के लोग बहुत अच्छे होते हैं, आपको मालूम नहीं है, मुंबई के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा मेहनती होते हैं। मुंबई में कभी भी आप लोग जाइए, सुबह 5 बजे लोकल शुरू हो जाती है और रात को 11, 1, 2, 3 बजे तक चलती रहती है। मुंबई के लोग बहुत मेहनत करते हैं। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, वो आपके पेशेंट का क्या हाल चाल है? भट्ट साहब सर प्रणाम। प्रणाम, मेडिसिन मिल गया बढ़िया है सर, बंद हो गए उनके। वो जी? और मेडिसिन मिला आपको? मेडिसिन नहीं मिला सर अभी। सर मिलेगा तो अभी पेशेंट का क्या हाल? क्या शायद आवाज नहीं जा रही है। प्रशांत जी, पेशेंट का क्या हाल चाल है? सर, पेशेंट ठीक है सर, बढ़िया है, सब बढ़िया। यहाँ पानी बहुत है सर, पानी गिर रहा है बहुत ज्यादा यहाँ। अच्छा, पानी तो यहाँ पर भी गिर रहा है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर जी लक्ष्मी सर, मौर्या जी कैसी हैं आप? लक्ष्मी मौर्या जी कैसी हैं? माधुरी जाधव जी बोलिए आप लोग कुछ। डॉक्टर रजनी सिंह करके एक न्यू डॉक्टर आई हैं, डॉक्टर रजनी सिंह जी कुछ बताएंगी अपने बारे में? प्लीज डरिए मत, बताइए प्लीज। डॉक्टर रजनी सिंह मैम हेलो सर, मैं डॉक्टर रजनी सर, मैं एक्चुअली ये मेरे फर्स्ट क्लास है, तो मुझे क्योंकि शायद कल और परसों भी जो क्लास हुई है मैं अटेंड नहीं कर पाई, मेरे पास थी नहीं इन्फॉर्मेशन, तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ और सुन रही हूँ ध्यान से कि अभी ये मैं। क्लास है, यहाँ पे डिस्कस है, आप अपने बारे में पहले बताइए कि आप कौन जी हैं, कहाँ जी से। सर, मैं आयुर्वेदिक एमओ हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मेडिकल डिस्पेंसरीज होती है ना आयुर्वेदिक सर, मैं वहां पोस्टेड हूँ, जी तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही करते हैं हम लोग प्योरली, बट हाँ गवर्नमेंट एडेड है तो
बस ये मैंने जो ज्वाइन किया सर, ये अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए और एक फ्रेशन अप करने के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया और लिंक छूट जाता है ना। आपने पढ़ाई की है? तो मैंने बीएमएस किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तिबिया कॉलेज से। तो तिबिया कॉलेज के बच्चे तो कितने इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ सर, ऐसे तो नहीं सर, ऐसे डम तो मैं भी नहीं हूँ लेकिन तो आप क्यों ऐसे बोल रहे कि मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलिए ना, आपको नॉलेज बहुत है, आप बताना नहीं चाहती है। सर बस वो मैं अभी अभी सिर्फ अभी सिर्फ क्योंकि एकदम से जैसे बीच में कोई अटेंड कर लेना क्लास तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं बस वो थोड़ा सा अभी एडजस्ट कर रही हूँ क्लास के साथ। और मे भी हाँ, नेक्स्ट एक दो लेक्चर के बाद तो मेरे भी बहुत क्वेरीज होंगे, मे भी मेरे सजेशंस भी होंगे। हाँ। बस अभी आज का दिन मैं सिर्फ समझ रही हूँ और सिर्फ आपको सुन रही थी, सिर्फ मैं आपको ध्यान से ना। सुबह क्या होता है हमारा माधव निदान का क्लास होता है, फिर 7 से 8 बजे अच्छा। तक हमारा अष्टांग हृदय का होता है, फिर आजकल हम लोगों ने 7 से 8 इवनिंग में पांच भौतिक चिकित्सा का शुरू किया है। जी 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 लेक्चर हुआ यूट्यूब में है उसका, और अब इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग केस डिस्कशन करते हैं। तो मैं बस वही है ना, अब से मैं क्योंकि मेरे पास जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं रेगुलर रहूंगी और कोशिश करूंगी कि जितना आपसे गेन कर सकूं, जितनी नॉलेज आपसे ले सकूं, मैं बिल्कुल आराम से उसको बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लूंगी सर। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। देखिए मैं नए नए लोगों को बुला बुला के यहाँ पकड़ पकड़ के लाता हूँ कि बोलिए बोलिए आप लोग। एक कोई राज जी है करके, RAJ। जी सर, मैं आज सर काम कर लिया आपने कहा नए लोगों के नाम पे। मेरा नाम सर राजकमल है, डॉक्टर राजकमल। मैं यहीं पर डॉक्टर रजनी और हम कलीग हैं सर, और हमने एक साथ ही ज्वाइन किया इसको। हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस तरह का कुछ है तो हमने ज्वाइन किया। मैं भी मेडिकल अफसर हूँ यूपी गवर्नमेंट में जी, और अपनी जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी होती है उसमें ही हम ओपीडी चलाते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं। आप कहाँ से पढ़े हैं? मैं सर कानपुर यूनिवर्सिटी, यूपी से कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ सर। बहुत बढ़िया जी। तो सर आप लोग आयुर्वेद का ही इलाज करते हैं कि एलोपैथी भी करते हैं? सर नहीं सर, कोई एलोपैथी नहीं, प्योर आयुर्वेद कर रहता है। और बेसिकली हम लोगों के जहाँ जिस तरह की मेडिसिन हम लोगों के यहाँ आती है गवर्नमेंट सप्लाई है, मोस्टली उसमें एकल चिकित्सा का हम लोग की प्राथमिकता ज्यादा रहती है, उसमें एकल औषधि उसमें देनी पड़ती है। तो इसलिए हमें और ज्यादा ये डिमांड हो गई थी कि इस तरह का कुछ हमें मिले कि जहाँ पर हम सिंगल ड्रग यूज करके काम चलाएं, अपने पेशेंट्स को ठीक करें। इसलिए सर आपके साथ, आपके सानिध्य में आने का मौका मिला सर जी। और आप आयुष दर्पण को कैसे जानते हैं? सर मैंने बताया ना कि इन्फॉर्मेशन आई थी डॉक्टर रजनी के माध्यम से ही, मुझे पता चला कि इस तरह का कुछ है तो हमने उसको शुरू किया। फिर आपसे कन्वर्सेशन व्हाट्सएप पे हुआ तो फिर बस आज अवसर आ गया और हम आपके इसमें हैं, शागिर्दी में। आप देखिएगा आपका एक साल के बाद अपना नॉलेज अपग्रेड ही होगा, यहाँ आने के बाद आपको फायदा ही। नहीं सर, नहीं सर, नो डाउट सर, नो डाउट। वो जो भी हमने ब्रेक से पहले जो भी हमने कुछ सुना समझा, अभी तो हम बस चीजें हम लोगों के लिए भी कुछ नई हैं, कुछ बातें नई हैं, तो ठीक है। आगे आगे आप हम भी उसमें इन्वॉल्व होंगे डिस्कशंस में जी, हम भी अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे, हम भी अपने सॉल्यूशन शेयर करेंगे जी। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सभी सभी के जितने क्वेरीज थी, सभी का जितना अपनी बातें बता रहे, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चंस सिर्फ उन्हीं के थे, हो सकता है कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे भी वो क्वेश्चन आ रहा होगा तो, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कोई किसी को अपना नॉलेज छुपाता नहीं है, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ईर्ष्या द्वेष ये सब से हम परे हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है सभी से हम देखिएगा, आप देखिएगा एक फैमिली जैसे हम लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा मदद करते हैं एक दूसरे को जी। सर ग्रुप में मैंने देखा सर सुबह से, वो एक द्राक्षा और किशमिश के ऊपर जो डिस्कशन चला है वो चलता ही रहा सर सारे दिन। वो बहुत ही छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी बातें उसमें सुनने के लिए मिली, पढ़ने के लिए मिली जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार जी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आपको कुछ बताना है तो बताइए। वर्षा कौशिक मैम ने तो सोचिए आपको क्या बताना है। मैं और किसको बताऊं? डॉक्टर पूजा मैम। हाँ जी बोलिए वर्षा मैम, आप तो पूरे भारत में छा गई हैं, सब जगह बारिश वर्षा 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 जी सर, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे भी, लाइट होगी, नेटवर्क भी प्रॉपर नहीं रह रहा है जी। ठीक है, कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम पूजा मैम के पास जा रहे हैं जी। सर एक पैरालिसिस का पेशेंट था उसका, अभी उसने थेरेपी तो मुझसे स्नेहा स्वेदन वगैरह से
सिक्स डेज ही लिया था, लेकिन उतने में मतलब जो एकदम सुन्न हो गए थे हाथ पैर वो सब ठीक हो गए, उसमें थोड़ा थोड़ा सहारे से ऐसे चलना भी शुरू कर दिया, और विद्ध कर्म किया था तो वो बोलना भी उसका क्लियर हो गया, पहले जो बिल्कुल एकदम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किया था आपने सजीवा मूल में दोनों सिराओं जी, कभी आप लाइव दिखा सकते हैं जब आप करेंगी कर्म? जी सर, सर अभी तो अब वो नहीं आ रहा है पेशेंट थेरेपी के लिए, वो मेडिसिन लेते ही है, पर पहले से काफी ठीक हो गया है, 15 दिन हो गए। और इंटरनल दवाई क्या दिया था पैरालिसिस में? इंटरनल सर वही वाद्यजांकुश रस, एकांगवीर और महायोग राजगुरु और ये धन धान्य आदि कषायम, और एक लसुनादि वटी सर उसको दीपन पाचन, और एक विरेचन, मतलब शुरू में अरंड तेल से विरेचन दिया है, उसके बाद ऐसे स्वादिष्ट विरेचन वगैरह चलिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हम पूजा मैम से बात करेंगे। पूजा रच मैम कुछ बोलिए आप प्लीज। वर्षा मैम वीडियो बना लिया करिए ना जब वेद करते हैं। हाँ, आप वीडियो बना लिया करिए ना वर्षा मैम, डायरेक्ट दिखाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वीडियो बना के अपना क्लिप बना के एक छोटा सा रख लीजिए। जी जी, अच्छा विद्ध कर्म का, हाँ मूल में जो दे रहे हैं ना वीडियो बना लिया करिए। जीवा मूल में जो विद्ध कर्म किया छोटा वीडियो बना लीजिए, और दूसरा इसका फायदा भी होगा आपको, जब आप 90 साल की हो जाएंगी तो आप ये सोचेंगे कि मैं क्लिनिक में ये काम की हूँ, वाह ये काम की हूँ, खुद का ही मेमोरी बहुत वो हो जाएगा, वीडियो बनाने का बहुत फायदा है। सर, और सर वो जो कल वात रक्त वाला पेशेंट एक मैंने डिस्कस किया था, उसको उसका रक्त मोक्षण किया पैर से, तो ब्लड तो बहुत ही कम आया, बस एयर बबल्स बहुत ही ज्यादा आ रहे। तो आपने वीडियो नहीं दिखाया हमें, हमें भी देखना था। आप अभी जब भी कर्म करें ना तो वीडियो बना दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अब डॉक्टर पूजा रच मैम कुछ बोलना चाहती हैं? मतलब वर्षा मैम आपने रक्त मोक्षण करके अच्छा काम किया कि जो आवरण जन्य वायु है उसको निकाला आपने, उतना पेन कम हुआ होगा। जी सर। हाँ हेलो। हाँ जी, बहुत अच्छा किया। पूजा रच मैम बोलिए आप। हाँ सर, सर आपने इससे बोला था एक बार कि वत्सनाप के जो योग होते हैं वो वेदना में अच्छा काम करते हैं। हाँ। तो सर वैसे तो मैंने त्रिभुवन कीर्ति रस ये सीजन के चलते बच्चों के लिए मंगवाया था। हाँ। लेकिन सर वो मेरे हस्बैंड को दे सकते हैं, उसमें वत्सनाप होता है, बाद कफ संप्राप्ति अगर है तो आप। हाँ सर, त्रिभुवन कीर्ति देंगे, बॉडी में थोड़ा गर्माश पैदा होती है उससे। अच्छा सर। हाँ सर, तो वो कैसे डोज में 2 BD देना है ना सर? यहाँ पे पुणे में बहुत सारे ऐसे वैद्य लोग हैं जो जैसे आरोग्य वर्धनी एक सिंगल ड्रग और दूसरे दूसरे द्रव्य एक्स्ट्रा वो करके प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग त्रिभुवन कीर्ति से पूरा प्रैक्टिस करते हैं, दीपन पाचन भी है, वायु का निलोमन करता है, वेदना शमन भी करता है, ज्वरग्न भी है, बहुत अच्छा। हाँ सर, हाँ सर, तो वो भी यूज कर सकते है ना सर? तो सर अभी तो मैं महायोगराज गुगुलू, एकांगवीर रस, वाद गजांकुश रस और त्रिभुवन कीर्ति रस ऐसा ही यूज करूँ ना कि कुछ और? ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। और नस्य पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कर्णपूरण पे ध्यान दीजिए। और जी सर, कर्णपूरण, नस्य और मात्रा बस्ती सर। और महाविषगर्भ तेल होगा तो फेस पे लगा के अपना हाथ साबुन से धो दीजिए, महाविषगर्भ तेल आंखों में नहीं लगना चाहिए। जी सर, ठीक है सर, ये फिर बताइए। मॉडर्न वाले नमक का सेवन कम बोलते हैं। हाँ। तो जैसे हम लोग दीपन पाचन करते हैं तो लवण भास्कर भी कई बार और कई बार चित्रकारी होती, तो क्या हमारा आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट में भी ऐसा है क्या सर? आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट में लवण भास्कर चूर्ण जो है ना उसमें हम लोग अनारदाना की भावना दिया रहता है। तो हम लोग लवण भास्कर चूर्ण जो मात्रा में देते हैं उससे बीपी कम नहीं, कम ज्यादा का कोई मतलब नहीं होता है, दीपन मतलब नहीं होता। और दूसरा क्या है कि लवण रस तो हमने पढ़ा है ना रस वैद्य अध्याय में कि मधुर रस का सेवन से क्या होता है, फिर अम्ल रस से क्या होता है, लवण रस से क्या होता है। तो आयुर्वेद तो सबसे पहले बोलता है कि नमक ज्यादा मत दो, अति सर्वत्र वर्जित, तो हम भी मना करते हैं।
खालित्य पालित्य और जितनी बीमारियां हैं सब होती है, तो मात्रा से आप सब कुछ दे सकते हैं? उसमें तो मात्रा डिसाइड करके देते हैं ना सर, कि मात्रा के एक एक अनुपात एक एक उचित मात्रा में तो हम दे सकते हैं ना। तो दीजिए ना, एलोपैथी बोलते हैं कि नमक बिल्कुल भी मत दो, वो लोग क्योंकि डीपोलराइजेशन, सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल उस हिसाब से करते हैं। लेकिन सोडियम कैल्शियम चैनल में वो सोडियम भी तो चाहिए हमारे बॉडी में, मसल्स के लिए चाहिए, सबके लिए तो चाहिए। माफ करके मुझे ये कहना है कि लवण भास्कर चूर्ण से प्रॉब्लम नहीं होती है, और लवण भास्कर चूर्ण अगर आपने ज्यादा दे दिया, चार चार बड़ा चम्मच दे दिया, तो उससे हाइपर एसिडिटी होकर उल्टी आ जाती है, ये बमन हो जाएगा। हाँ, लवण भास्कर चूर्ण का साइड इफेक्ट देखा है? किसी पेशेंट ने मेरे खा लिया, दो दो बड़ा चम्मच खा लिया, उनको बहुत ज्यादा पित्त का तकलीफ हो गया, वो खाया नहीं जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा दीजिए। सही है ना? और आपके किडनी के पेशेंट कैसे हैं? कौन पेशेंट सर? किडनी वाले? हाँ सर, उनको मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं, उनका जीएफआर जो बड़ा कम होता है, तो अभी तो मेडिसिन ला नहीं पाए हैं वो, तो और वो जो आईवीएफ कराई थी पेशेंट उनका, सर अभी उन्होंने एक बार बीच में संपर्क किया था, फिर वो गांव चले गई हैं शायद, तो अभी उन्होंने मुझसे दोबारा संपर्क नहीं किया है। उन्होंने फोन किया था उनके हस्बैंड ने कि हम फिर से शुरू करना चाहते हैं, अपना भी उनका भी, तो उन्होंने फिर दोबारा मुझे अपना रिपोर्ट ऊपर नहीं भेजा। और जो आपके ग्लॉकोमा के पेशेंट थे उनका भी ठीक चल रहा है सर, उनको थोड़ा सा बीच में बहुत ज्यादा गर्मी थी तो आंखों में बहुत जलन हो रही थी, आंखों से पानी आ रहा था, तो उनको फिर मैंने प्रवाल पिष्टी और ताम दुग्धा ऐड किया, तो वो ठीक हो गए, मतलब काफी ज्यादा गर्मी थी ना सर, तो अभी ठीक हो गए। दिख रहा है क्या? दिखाई देना शुरू हुआ सर? बस दिखाई देना अभी नहीं शुरू हुआ है, उसमें उनको बस जो पहले उनकी था उसके लिए मैं बात करना है, उसके लिए मैं देखता हूँ, आते हैं तो फिर मैं आपसे सारा पीछे। उसमें क्या है ना सर, उनको बस दरवाजा हिलता है तो उसकी जैसे छवि आती है, कई बार हाथ हिलाते हैं तो कई बार हाथ का हिलना आ जाता है, ठीक ना, इतना ही आया है, और बाकी उनका प्रेशर ठीक है, बाकी उनकी पाचन ठीक है, पेट सही है, भूख अच्छा लग रहा है, ठीक ना, विरेचन भी दिया था उनको, विरेचन के बाद उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई है, विरेचन के बाद उनको आहार कर नॉर्मल आहार पे आ गए हैं वो, ठीक है, आप बताइएगा फिर हम डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं उसमें क्या लाइन अप ट्रीटमेंट फिर हम लोग बनाते हैं। और आपकी मैडम कैसी है? ठीक है सर, उनका मैम से मिल के आए थे तो मैम ने दवाइयां दी हैं, और कभी उनका फॉलिकल स्टडी हो रहा है जी, ठीक ना, और साथ में मात्रा बस्ती और ये सब चल रहा है, ठीक है, ठीक है जी। और एक सर वो ओबेसिटी वाला पेशेंट है, हाँ। तो उसको सर मैंने उस दिन सरसों तेल और साचा तेल का बस्ती दिया था, हाँ। जो मैम ने बताया था, किसी मैम का वेट हाँ। कम हुआ ना, हाँ, कन्वल जोल मैम ने बताया, कन्वल जोल मैम का, तो मैंने दिया था उस दिन, तो उसको थोड़ा सा घबराहट हो रहा था, मतलब मैंने सरसों का तेल कम करिए, उनका पित्त प्रकृति होगा, आपने प्रकृति परीक्षण नहीं किया है, थोड़ा कम और करिए, जितना दिए है ना उसका 1/4 दीजिए कम करिए, मुझे भी यही लगा सर, क्योंकि उसको स्किन की भी डिजीज है, हाँ, तो पित्त प्रकृति वालों को सरसों का तेल कैसे देंगे बस्ती में, कम कर दीजिए, कोई बात नहीं, एक ही दिन दिया था, इसके बाद अभी लिया नहीं, अभी देता हूँ उनको। गुड़ लिंगम परीक्षित उपशम अनुशाभ्याम, मतलब हम लोग गुड़ लिंग को उपशय अनुपशय से पहचानते हैं, उसे आपसे डोज कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा सर, इसका बमन अगर कराना है तो किस घृत से कराएं? मैं तो अच्छ घृत देता हूँ, आप महातिक्त घृत दे दीजिए, पटोलादि घृत दे दीजिए, तिक्त रे साथ में कोई भी, निम्बादि घृत, पंचतिक्त, ठीक है, आप करिए फिर बताइएगा, ठीक है सर। हाँ डॉक्टर मुकेश साहू जी, आपकी वो पेशेंट ठीक है कैंसर वाली, जिनको आपने मदन फल का बस्ती दिया था? एक चीज और पूछना था, स्वर्ण गैरी की बात हो रही थी सर पांच भौतिक चिकित्सा में, हाँ। बीटी लोगों के पेशेंट को लगाने का, तो उसमें जो सर बात कर रहे थे घृत का, किसी घृत में लगाने का, क्षार घृत जी, आवाज गया आपका, मैं पूछ रहा था कि स्वर्ण गैरिक जो खाने को हम देते हैं पेशेंट को, तो उसके क्या डोज है? डोज उसका हम लोग 10 ग्राम 5 ग्राम इतना ही देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं वो स्वर्ण गैरिक, अच्छा कम मात्रा में दिया जाता है स्वर्ण गैरिक, हाँ। और मांसपाचक के साथ रक्तपाचक भी चलेगा सर?
हाँ आपके पेशेंट का क्या कंडीशन है मुझे क्या मालूम। नहीं नहीं कंडीशन तो मैं बता दूंगा ना, रक्त पाचक दीजिए, मांस पाचक, जो जरूरत है वो दीजिए ना आप। ठीक है सर। ठीक है डॉक्टर मुकेश साहू जी, आपने जिनको मदन फल का बस्ती दिया था, सुन पा रहे हैं क्या मुकेश जी? शायद बिजी हैं। और किसी को कुछ बोलना है? लक्ष्मी मौर्या मैम, आपने एक फोटो भेजा है ग्रुप में। लक्ष्मी जी शायद बिजी हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते भी हैं लेकिन काम कर रहे होते हैं। हेलो जी सर, नमस्ते। हाँ बताइए। सर वो एक्चुअली मेरे ही हाथ पे हो रहा है। आपको ही हो रहा है? आपने क्या खाया था? दही और चावल खाया था दिन में, सो गई थी? नहीं सर, मॉर्निंग में एक्चुअली पराठा और चाय खाने की हैबिट है। हाँ तो हो गई ना, उसमें दूध और नमक। यस सर। सर कैसे मतलब सर क्या बिडंगा आरएस के बारे में पूछना था कि सर क्या स्टार्ट कर दूं या कैसे? आप करिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी चिकित्सा कोई और बताए। मोनिका मैम आप ग्रुप में देखिए, लक्ष्मी मैम ने एक फोटो भेजा है, आप क्या चिकित्सा बताइए। राम सर, तो देखा मैंने सर, इसमें मेरे हिसाब से कुछ पित्त मतलब कुछ तो विरेचन जैसा कुछ लेना चाहिए, और साथ में इनको महामजिष्ठादि कषाय ले सकते हैं, और शारीरवाद्यासर या खदरारिष्ट भी अच्छा रहेगा सर। मैम खजारिष्ट तो मैंने स्टार्ट कर दिया है लास्ट मन वीक से, मगर आरोग्य वर्धनी लीजिए मैम, आरोग्य वर्धनी वटी भी पित्तरेचन करेगी तो वो भी आपको हेल्प करेगी इसके अंदर। आरोग्य वर्धनी वटी ठीक है मैम। और इचिंग भी है मैम इसमें? इचिंग भी लग रही है आपको? हाँ अचानक से मैम बहुत ज्यादा इचिंग होती है, तो नारियल का तेल लगाती हूँ उस पे, और एक मेरे यहाँ सप्लाई में है उसमें हरिद्रा बोरिक एसिड जिंक गंधक कॉम्बिनेशन आता है हम लोग की गवर्नमेंट में, इससे इचिंग तो कम हो जाती है। मैम और सरोज मिश्रा जी बता सकते हैं गवर्नमेंट सप्लाई में कॉमन चीज क्या आती है? अंजना मैम और ये सरोज मिश्रा जी बताइए। सर मैं थोड़ा बताती हूँ। एक्चुअली देखिए जो आप बता रहे हो जिस हिसाब से मैडम ने भी आपसे पूछा, तो हमें पहले यही देखना है कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पहले सैद्धांतिक जाए या संहिताओं के आधार पर जाए, तो जो रोग बताया गया है या जैसे विचर्ची का टाइप में अगर हम इसको मानते हैं, तो दो हमारे चिरक जी का मत अलग है और शुश्रु जी का मत अलग। अभी हम थोड़े दिन 2 दिन 3 दिन पहले भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं इसी तरह के केस को, तो अगर हम आचार्य चरक के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कफ दोष के प्राधान्य माने हैं चरक जी ने। उन्होंने बोला है कि कफ प्राय विचर्चिका, और जबकि शुश्रु जी बोलते हैं कि सकंडू पिड़का श्यावा बहु श्यावा विचर्चिका। तो मुझे लग रहा है कुछ इस तरह से जैसे आपने दिखाया है उसमें कुछ श्राव नहीं है, सिक्रिशस नहीं है शायद ना? नहीं नहीं ड्राई, हाँ ड्राई है ना, लेकिन कंडू है ना, कंडू आप बता। यस यस मैम है ना कंडू है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है इस जैसे उसमें साफ साफ लक्षण उन्होंने बताए भी हैं कि खुजली हो रही है, अति कंडू होना और रुक्ष होना, ये भी इन्होंने बताया है। अस्थान हृदय ने भी बहुत अच्छे से बताया है यहाँ पे कि सकंडू पिटिका श्यावा रसिका अड्डे विचर्चिका, मतलब कि वहां पर भी जो है कंडू और जो है जैसे आपको पिटिका हो रहा है या श्याप पिटिका हो रहा है, तो ये लक्षण जो है वो अधिकतर जो है अस्थान हृदय से भी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो चिकित्सा की बात चल रही है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे हम जो शोधन चिकित्सा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हम जैसे करते हैं वहाँ पे विरेचन कराना ही होगा, मैडम ने बताया ही है। और मेरे हिसाब से जैसे मेरा बहुत फेवरेट है और मैं अक्सर लेती भी हूँ, तो पंचतिक्त घृत यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप निशोध ले सकते हो साथ में उसके, या फिर अपामार ले सकते हो, सॉरी अरंभत ले सकते हो, और उसके साथ में गुगुल जो आता है। नहीं नहीं हाँ पंचतिक्त गुगुल घृत करके आप ले सकते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी का बहुत अच्छा इफेक्ट है मैडम, और पित्त कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है ही है ना, साथ में कफ का इन्वॉल्वमेंट मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि तब अभी हम पढ़ रहे थे पंचमहाभूत चिकित्सा पढ़ रहे थे उसमें बहुत अच्छे से बता रहे थे सर, राइट साइड लेफ्ट साइड का भी हमें पूछना चाहिए आपसे कि हैंड कौन सा है आपका, ये पहली बार। और दूसरी बात ये है कि राइट हैंड है मैम, लेफ्ट में भी है हल्का हल्का सा। हाँ हाँ तो धीरे धीरे वो फैल भी सकता है रक्त धारा में भी हल्के महीने से कभी कभी आते हैं और फिर डिसअपीयर भी हो जाते हैं थोड़ी देर बाद।
हाँ तो वो अंदर, इसीलिए मैंने कहा ना थोड़ा सा आपको माइल्ड विरेचन ले लेना चाहिए यहाँ पर, विरेचन के लिए जो कि बेस्ट होता है हर जनरली आपने उसमें, अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो घर में हमारा जो पाउडर मिलवा देते हैं और छोटे छोटे टेबलेट्स बनवा देते हैं पेशेंट को, और उसके साथ में अगर थोड़ा सा फलत्रिकादिक पात भी आप ले लोगे ना अपने अकॉर्डिंगली बस्ती मतलब जो आपकी माता अग्नि बल है उसके हिसाब से, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से विरेचन हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास आता है गुग्गुल में जो हम अगर दे रहे हैं तो अमृतादि गुग्गुल यहाँ पे इफेक्ट करेगा है ना, गिलोय मतलब गिलोय का जो है यहाँ थोड़ा सा आपको दे लेना पड़ेगा। तो गुरुची की मात्रा थोड़ी, या तो आप गुरुची घन बट्टी या फिर गुरुची का अगर आप चाहो तो गुरुची सत्व बहुत अच्छे से काम करेगा, थोड़ा सा उसमें आप रसमाणिक के मिला सकते हो, थोड़ा सा गंधक मिला सकते हो, और थोड़ा सा जो है उसमें आप ये विडंग, और उसके साथ में थोड़ा सा जरूरत लगती है तो कहीं ना कहीं इसमें हम हल्का सा जो है गुग्गुल मिला के, या केवल जो है अमृतादि गुग्गुल करके भी दे सकते हैं, नहीं तो हम त्रिफला मिलाना चाहेंगे, अगर हम एक पूरी बनाएंगे तो उसमें हम उतना दे देंगे गंधक रसमाणिक के और थोड़ा सा गिलोय सत्व और थोड़ा सा त्रिफला मिला के, और उसके साथ में आप जो है काल मेघ नासर या फिर थोड़ा सा काल मेघ का जैसे कैप्सूल में बताती हूँ कि आता है उसको आप ले लोगे तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे जी। अब सर बताएं, सर और सर बताएं। हाँ बताइए जी सर, नमस्कार सर। अंजना अंजना मैम, तो हम चरण स्पर्श आपको, आपने पूरा बता ही दिया, मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर भी सर कुछ तो जो राइट साइड का हाथ इन्वॉल्व ज्यादा है, तो राइट साइड का हाथ इन्वॉल्व ज्यादा है तो इसका मतलब लीवर वाला पार्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, मतलब ये छागर्मी व्याधि हुई, मतलब ये पित्त की उष्ण और तीक्ष्ण गुण बड़े होने से पैदा हुआ है। पित्त और कफज व्याधि है, तो यहाँ पे पित्त और कफज व्याधि की चिकित्सा हम लोग करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि ये छागर्मी व्याधि हुई, तो इसकी अगर हम अम्ल धर्मिता बढ़ाना चाहें, मधुर पृथ्वी और जल महाभूत बढ़ाना चाहें, तो उसके लिए आपने गंधक बता दिया, बहुत बढ़िया बता दिया, ठीक है। इसके अलावा एक हम स्वर्ण गैरिक इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे, वो दाढ़ीमाध्य घृत के साथ ऐड करना चाहेंगे, दाढ़ीमाध्य घृत के साथ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि स्वर्ण गैरिक जो है वो पृथ्वी और जल महाभूत का हमारा कल्प है, और दाढ़ीमाध्य घृत जो हम देंगे तो वो ये काम करेगा पित्त की उष्णता और तीक्ष्णता को कम करेगा। तो ये इनका ट्रीटमेंट, बाकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपका ही चलेगा, बहुत बढ़िया। सर मुझे गुस्सा भी इसलिए बहुत ज्यादा आता है, हद से ज्यादा। गुस्से का भी कारण, गुस्से का भी कारण आपका वही है। और सर इसी कारण सर मुझे लगता है मेरा हेयर फॉल व्हाइट बहुत ज्यादा मतलब इंक्रीज होता जा रहा है मैडम, यहीं पे टिका हुआ है। पित्त की क्षार धर्मिता बढ़ी है, इसकी वजह से आपका जो ग्रेइंग ऑफ हेयर्स या फॉलिंग ऑफ हेयर्स ये भी यहीं पे टिका हुआ है, तो इसकी भी चिकित्सा यही है। उसमें क्या होता है कि जैसे लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी को जलाते हैं कोयला बन जाती है, कोयले को तो वो सफेद हो जाता है, तो वही हमारा ग्रेइंग ऑफ हेयर्स का कॉन्सेप्ट है कि किसी चीज की हम क्षार धर्मिता को इतना ज्यादा बढ़ा दें कि वो ग्रे हो जाए, तो ये कॉन्सेप्ट वहां से निकल के आता है। तो ये शरीर की क्षार धर्मिता को कम करना है हमने अम्लधर्मी द्रव्यों को, अम्लधर्मी कल्पों को देके, तो इसीलिए हमने स्वर्ण गैरिक और जो आपका वो दाढ़ीमाध्य घृत के साथ बताया, ये कॉन्सेप्ट वहां भी फिट होता है, आपके ग्रेइंग ऑफ हेयर्स भी कम होंगे। सर डोजेस लगभग समान ही रहेंगे ना, जो जैसे अश्वगंधा विडंग त्रिफला गंधर्व काल्मेघ स्वर्ण गैरिक मतलब सबको थोड़ा थोड़ा लेके मिलाना है, या अश्वगंधा आपका जैसे 100 ग्राम अश्वगंधा ले रहे हैं तो उसमें 10 ग्राम गिलोय सत्व मिला दें, है ना जी सर। स्वर्ण गैरिक भी आप स्वर्ण गैरिक थोड़ा सा 30 ग्राम 40 ग्राम की मात्रा में मिला दें जी, स्वर्ण गैरिक थोड़ा ज्यादा मिला सकते हैं, अश्वगंधा गिलोय विडंग, विडंग कम रहेगा, मतलब ये हमारा जो डोजेज एक डोज नहीं है, ये आपका करीब पूरा डब्बा मिक्स हो जाएगा, तो ये 100 ग्राम का आपका 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम 6 ग्राम 6 ग्राम के हिसाब से आपका चलेगा करीब 18-19 दिन। गैरिक और गिलोय का घृत मिला के लेप भी लगा सकते हो आप ना, लेप भी लगा सकती हैं। हाँ, जी जी बिल्कुल, गैरिक और दाढ़ीमाध्य घृत का आप अगर लेप भी करती है तो तुरंत सबसाइड होगा ये उसका। ठीक है,
थैंक यू सो मच मैम सर। इसके अलावा थोड़ा नस भी डालें, नस के कोई खीर वाला तेल का डाल लें तो उससे भी ग्रेइंग अफेयर कम आएगा, या ब्राह्मी घृत का डाल सकते हैं जी सर, जो आपको गुस्सा ज्यादा आता है वो भी कम हो जाएगा जी सर। गुस्सा ज्यादा आने के पीछे जो कारण होता है वो लिम्बिक सिस्टम में जो बैठा हुआ टेम्पोरल लोब में लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम में एमिग्डाला है, एमिग्डाला को स्टिमुलेट कर दो गुस्सा खूब आएगा, ठीक है, तो उसको शांत करना है, प्राणायाम योगा वगैरह से वो शांत होता है जी सर जी। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर। कंचन सूर्यवंशी मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं, आपके कुछ पेशेंट का एक्सपीरियंस? जी सर, आज एक्चुअली वो पेशेंट ना मेरे पास लास्ट सैटरडे आया था सर, वो लड़की है 23 एज की, तो वो जॉब करती है सर, तो 7-8 घंटे की ड्यूटी है उसकी, तो वहाँ पे खाना मतलब उसको समोसा वगैरह जैसे कलीग्स बैठे हैं तो समोसा खाया, चाय कॉफी का इंटेक बहुत ज्यादा, और सर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और बहुत हाइपर थी वो, मतलब गुस्सा भी बहुत करती थी, और जैसे कि मम्मी बोल रही थी उसके चावल पे अगर दाल डालो तो वो सूखा सूखा चावल खाना है, सूखी सूखी रोटी खाना है, दूध का सेवन नहीं था बिल्कुल भी, वेगो का धारण था, और जैसे घी का इंटेक तो बिल्कुल भी नहीं था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था घी, तो सर वो आई थी ना तो उसको ऐसे बोल रही थी कि मुझे इतना रोना आता है, बोले कि मोशन पास करके आने के बाद और पहले तो सबसे पहले जाने की इच्छा नहीं होती है वॉशरूम में, तो मैंने उससे प्रॉमिस लिया था कि मैं अगर जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे करना है सर, उसको 2 दिन तो पूरा चावल के मांड पे ही रखा, फिर 3rd डे वो बोले नहीं मुझे कुछ खाने दो, 2 दिन के बाद फिर से बुलाया, फिर बोली कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, तो आपने जैसे यूश कल्पनाएं बोली थी वो ऐड की थी, मैंने उसको हर दिन कुछ ना कुछ अलग उसमें ऐड करने के लिए बोला था, वेजिटेबल्स जैसे कभी बोला कि गाजर ऐड करके लेना, यूश बैंगन का ऐड करके लेने के लिए बोला, फिर बाकी जो फ्रूट्स तुझे अच्छे लग, जो वेजिटेबल्स। यूश में आप मूंग दाल का यूज कर रही थी कोई और दाल का? नहीं सर, मूंग दाल और चावल, चावल का मांड और मूंग दाल, और फिर उसको बोला तुझे बोर हो जाएगा समझो 7 दिन करना है आगे के लिए, तो फिर उसको बोला कि थोड़ा मिक्स करके लेना, जैसे चावल भी लो और दाल भी लो और कोई वेजिटेबल ऐड करो उसमें, तो उसको वो पसंद आ रहा था लेना, उसने वैसे किया, फिर 3rd दिन फिर से फोन किया, बोले थोड़ा और कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैंने उसको बोला कि सूजी लेना, सूजी को भून के उसमें थोड़ा सा नमकीन टाइप मतलब नमक और थोड़ा जीरा ऐड करके उसको पतला सा बना के लेना, फिर शाम को नाचनी का बनाना, वैसे ऐसे उसको थोड़ा अलग अलग फूड बताया था, बस उसको मैंने कंप्लीट 7 डेज चपाती जो होती है वो कंप्लीट बंद रखी थी, उसको 2 दिन जैसे पहले मांड दिया था ना तो उसको मोशन पास ही नहीं हुए थे, बाकी सब मेडिसिन चालू था, अभयारिष्ट वगैरह जो भी मेडिसिन दिया था उसमें भी उसको मोशन पास नहीं हुई थी, तो उसको हरित की चूर्ण मैंने मांड में ऐड करके लेने के लिए बोला था, फिर तो उसको मोशन पास हो गई, फिर जैसे 7 डेज आज पूरा कंप्लीट हो गया, वो आज आई तो एकदम चेहरा एकदम नॉर्मल था उसका, मुझे लगा पहले कि इसको अच्छा लग रहा होगा इसलिए एकदम रिलैक्स है, तो बोलते मैम ये तो मतलब मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि आप ठीक कर पाओगे मुझे, तो पूरा पेन ही नहीं लग रहा बोले मुझे अभी, तो बिल्कुल ऐसे जाती हूँ तो नॉर्मल पास हो जाता मोशन, तो वो पूरा हील हो गया होगा सर, क्योंकि मैंने उसको ना मेरा हमेशा का ये एक फिशर का एक रहा है कि मैं कायाकल्प ऑयल है पतंजलि का, वहां पे ज्यादा ऑयल नहीं होता है मेरे पास, तो मैं कायाकल्प ऑयल को सिरिंज में 2-3 ml लेके उसको बोलती हूँ कि पुश करवा ले अंदर, तो वो उसको बोला पहले फिंगर डाल सकते हो क्या, तो बोली नहीं बहुत पेन हो रहा है, फिंगर में टच भी नहीं कर पा रही हूँ इतना पेन हो रहा है, तो उसे बोला कि गर्म पानी में थोड़ा सा बैठ जाना नमक डाल के, फिर 10 मिनट के बाद फिर पुश कर लेना 2 ml 3 ml जितना भी जाएगा अंदर वैसे ही पुश करना, तो उसने वैसे किया सर और काफी अच्छा रिजल्ट रहा उसका, लेकिन आगे आगे रिकरेंस ना हो तो इसीलिए उसको। हाँ आज अभी मैंने बोला क्योंकि घी नहीं खा रही थी ना, तो आज बोला मैंने अभी तो खाने में घी खाना है, नहीं तो अभी तो 7 दिन आगे के लिए 2 चम्मच घी पी के फिर ऊपर से थोड़ा हल्का गर्म पानी पी के फिर बाद में खाना खाना, तो बोले ठीक है अभी इतना अच्छा लग रहा है तो अभी मतलब तैयार होगी बाकी चीजें करने के लिए,
उसको समझाया कि ये जो उनको बोलेंगे कि सर्जरी कराया ना, तो बार बार एक सर्जरी कराना भी तो हम लोग कट कर रहे हैं एक तरह से वहां पे, और वो बढ़ते जाता है, सर्जरी तो उपाय है नहीं, और फिर वो जिंदगी भर बार बार करना पड़ता है फिशर का ऑपरेशन। जी सर, काफी अच्छा रिजल्ट है वो तो। अभी बोली नहीं वो तो पूरा ठीक हो जाएगा अभी, तो 3 महीने, मैंने बोला 3 महीने नहीं कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर भी अभी एकदम रिलैक्स होकर खाना खाना चालू नहीं करना है, अभी आगे का 7 डेज का फिर से खाने का प्लान बताया उसको कि मूंग की दाल लेके खाली हल्के फुलके वाली चपाती होती एकदम पतली वाली, वैसे फिर छोक वाली दाल करके उसमें डुबो के खाना है। तो फिर ऐसे ऐसे करके 7 डेज में, तो बोली थोड़ा नॉनवेज ले सकती हूँ, तो बोले उसको नॉनवेज बहुत पसंद है, वो नॉनवेज भी बहुत खाती थी, तो उसको बोला मैंने कि जैसे सूप बना देना, सूप के साथ चपाती ऐड करके लेना, फिर धीरे धीरे करके मैं आपका नॉर्मल डाइट पे लाऊंगी, पर पूरा का पूरा बाहर का खाना मैं अलाउड ही नहीं करूंगी, ऐसे बोल दिया सर। वो खुश हो गई थी, उसकी मम्मी भी खुश हो गई थी। बस उसका एक और मुझे ये दिखा, मुझे और भी काम करना पड़ेगा उस पर, क्योंकि वो उसकी मम्मी बोल रही थी जैसे वो मेरे पास सोती है ना कभी, तो बोलते है ऐसे लगता है कि गर्म उसके बॉडी से बहुत हीट निकलती है। तो मैंने पूछा तो उसको बचपन में जॉन्डिस हो चुका था, तो जॉन्डिस के वजह से शायद ये, क्योंकि बोले बचपन से उसको पेट की कुछ ना कुछ तकलीफें रही है, तो उस पर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अभी तो मतलब जो रिजल्ट आया वो उसको काफी अच्छा, मतलब एटलीस्ट उसका मोशन रेगुलर पास होना स्टार्ट हो जाए पेनलेस, तो फिर वो बाकी का फॉलो। इन्होंने कितना अच्छा किया, इनको कांग्रेचुलेट करिए सब लोग, कितना अच्छा किया इन्होंने मैनेज। थैंक यू सर, मुझे तो दिल से खुशी हो रहा है, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा किया, सबने एक्चुअली देखी थी मुझे ग्रुप में, पर मुझे रिप्लाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस मैम। थैंक यू मैम। मैम आप ग्रुप में ये केस डालेंगे, मतलब कैसे हेतु निदान संप्राप्ति वगैरह, और आपने क्या ट्रीटमेंट दिया करते पूरा? मैं ट्रीटमेंट अभी बताती, हेतु तो मैंने अभी बता दी है आपको सब। इसमें एक्चुअली 2 मिनट बात करिए, मैं आ रहा हूँ, आप बात करिए। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना, तो मैं सुन नहीं पाई। हाँ, वो ऑफिस गर्ल है, मतलब जैसे 1-2 साल से वो जॉब कर रही है, 23 इयर्स की गर्ल है, तो वो मतलब रेगुलर जैसे जंक फूड खाना होता है ना, तो वैसे कलीग्स के साथ उसका खाना था, थोड़ा चाय कॉफी का इंटेक ज्यादा था, वेगो का धारण भी कर रही थी, जागरण भी हो रहा था मोबाइल के वजह से, मोबाइल देखते देखते बच्चे जैसे करते हैं वैसे, और उसका सब जंक फूड और नॉनवेज बहुत पसंद करती थी वो, और बाहर का सबसे पहले, तो वो बाहर का मतलब कच्चा भी हो थोड़ा बहुत, इतना अच्छा पका हुआ नहीं होता, तो उसको अच्छा लगता था वो खाना। उसको 1 साल से ये चालू थी तकलीफ। अभी एक उसने सर्जन को भी बताया था, उसने उसको डायलिटेशन बोला फिशर के लिए, तो उसके पहले एक बार वो ट्राई करना चाह रही थी आयुर्वेद मेडिसिन, तो मैंने उसको मेडिसिन में जैसे अर्शकल्पवटी कायाकल्पवटी दे दिया, और केशोर गुगुल आरोग्यवादिनी त्रिफला गुगुल दे दिया, और कायाकल्प तेल से थोड़ा सा 3 ml तक बस्ती करने के लिए बोला, सिरिंज से ही किया, कैथेटर पास ऑन हो ही नहीं पाता था क्योंकि काफी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट था पूरा, वो मतलब रोती थी जब टॉयलेट जाती थी ना, उसको जाने की इच्छा ही नहीं होती थी सबसे पहले तो, और जाती थी तो आने के बाद रोती थी कि बहुत पेन होता है, ब्लीडिंग भी हो रहा था, तो वहाँ पे उसको स्टीज बात कराया, और सबसे पहले तो लंघन उस पर बहुत अच्छा काम किया मैम। वहाँ पे 2 दिन मैंने उसको मांड पिलाया, 3rd डे से फिर थोड़ा सा यूज कल्पनाए जो सर ने बताई थी वो दी, फिर सूजी का जो राब बनाते हम लोग सूजी नाचने वाला, फिर कभी उसको मैंने बोला कि अपना आटा रहता है ना गेहूँ का, उसका भी राब बना के पिए करके, थोड़ा अलग अलग करके बस उसको जैसे ठोस आहार टाइप नहीं बोला था खाने के लिए, जैसे दाल चावल है सब्जी रोटी है ऐसे नहीं खाने के लिए बोला था, कंप्लीट 7 डेज इस टाइप का लंघन बोला था मैंने कि हल्का खाए जो कि इजीली डाइजेस्ट हो। तो अभी मैम उसका मोशन उसके बाद 2 दिन तो नहीं हुआ उसको मोशन, क्योंकि मांड पे थी, तो फिर हरित की दिया, तो हरित के से उसका मोशन पास हो गया, फिर उसके दूसरे दिन से उसको रोज मोशन पास होना स्टार्ट हो गया, और पेनलेस मोशन था उसका, मतलब उसको पेन नहीं होता था, और काफी अच्छे मूड में आई थी आज की मैम, काफी अच्छा ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैंने उसको बोला कि आगे के लिए 3 महीना आपको कंटिन्यू ये जैसे है वैसे फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो रिकरेंस होने को टाइम नहीं लगेगा फिर से। तो अभी तो आपने जो मेडिसिन पहले बताई वो लंदन के पहले दिया या लंदन के बाद दिया? नहीं मैम दोनों साथ में चालू कर दिया ना, इतना पेन था उसको, तो मैं वेट नहीं कर सकती थी ना, दीपन पाचन करके फिर उसको सब करो, मतलब एक कंडीशन में ही नहीं थी वो लड़की, आई थी तो मतलब उसको बैठने को नहीं हो रहा था, इतना पेन था उसको। हाँ,
मतलब वो जगह को टच करने नहीं दे रही थी मैम, उसको बोला मैंने ऑयल एक काम करना उंगली से आप लगा लेना अंदर। मैं मोस्टली पेशेंट को बोलती हूँ जो मतलब जिनको ज्यादा पेन नहीं होता है तो उंगली पे लेके आप लगा लो अंदर से। तो वो उसने सीधे मुझे बोला मैं लगाऊंगी नहीं, तो उसकी मम्मी को बोला कि सिरिंज में लेके आप थोड़ी हेल्प कर देना उसकी, एटलीस्ट 2 से 3 दिन आप डालेंगे उसको थोड़ा पेन कम हो जाएगा, वो खुद का खुद कर लेगी। फिर अभी बोला मैंने जैसे पेन कम हो जाएगा तो आप फिंगर से थोड़ा, क्योंकि डायलेटेशन में स्टार्ट होता है फिंगर अगर हम डालते हैं, तो वो अभी भी नहीं तैयार हुई। बोले नहीं मैं अभी तो 7 दिन सिरिंज से ही करूंगी। मैंने बोला ठीक है 7 दिन फिर से सिरिंज से करना, फिर बाद में नेक्स्ट वीक में देखते हैं। तो फिंगर से डालने के लिए मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए थे फिशर्स के, तो मुझे एकदम कॉन्फिडेंस था। तो मैंने उसको बोला कि नहीं फिंगर से स्टार्ट करेगी, क्योंकि एक पेशेंट था मेरा ऐसे ही 4 साल पहले एकदम, वो बोलता था कि मुझे बिल्कुल जैसे एकदम ऐसे लगता है कि मेरा एनस बिल्कुल पिन पॉइंट टाइप हो गया, तो उसमें से जगह ही नहीं है कुछ। तो उसको भी हमने ऐसे ही सिरिंज से ऑयल डलवाया था मैम, बहुत अच्छा। उसको भी 15 डेज में उसका पूरा एनस जो एकदम अंदर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया था वो पूरा ढीला होके खुलना स्टार्ट हो गया था। तो मुझे इतना इसका सिवेरिटी नहीं था जितना वो आदमी का था, तो मुझे लगा इसका भी ठीक हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट आया 7 डेज में। कायाकल्प ऑयल मतलब वो पतंजलि का आता है वो ही आपने खुद का प्रिपरेशन? यस यस, नहीं मेरा खुद का प्रिपरेशन नहीं, ये पतंजलि का ही पेशेंट बता रही हूँ मैं, सब मेडिसिन मैंने पतंजलि की ही दी थी उसको। जी बोलिए सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने मल्टीपल केसेस आप फिशर सॉल्व किए, तो कोई केस ऐसा भी रहा जो ठीक होने में थोड़ा समय ले रहा हो या नहीं ठीक हो रहा? हाँ, पक्का रहा, एक दो केसेस रहे ऐसी, तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मैं इतना अच्छा पेशेंट को रिजल्ट दे पा रही हूँ तो ये पेशेंट क्यों ऐसे है। तो उनका हेतु सेवन ज्यादा होता है सर, जब हम अपने को कॉन्फिडेंस रहता है ना कि अगर इतनी सारी केसेस हमारे सामने दिखती है कि हमने सॉल्व की है तो ये केस में क्यों प्रॉब्लम। तो जब हम फिर से हेतु लेते हैं ना तो मतलब उसके क्वेश्चन करते हैं तो उसमें वही दिखता है कि नहीं मैंने आज ये खा लिया था, फिर वो उस दिन वो खा लिया था, तो ऐसे टाइप का कुछ निकलता ही है जब भी कहीं हमको ऐसे असफलता मिलती है तो उसको पेशेंट। एक्चुअली होता क्या है उन केसेस में जो सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं फिशर के क्रोनिक केसेस, उसमें होता क्या है कि वो स्किन जो डेड स्किन जहाँ पे हम ऑयल अप्लाई कर रहे हैं वो काफी समय से क्रोनिक फिशर हो गया और वो वहां पे स्किन हो गई डेड, डेड हो गई। अब डेड स्किन को हटाते नहीं है हम लोग, हटाने के लिए एक्चुअली थोड़ा सा कहीं मैंने सुना था, और वैसे रवि सर हमसे तो बहुत सीनियर हैं, रिटायर होने वाले हैं अगले साल, तो माफी चाहूंगा आपका नाम ले रहा हूँ। हमारे साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर हैं, सर्जन है, तो ये भी कुछ इसमें प्रकाश डालेंगे। क्या कहते हैं जो हम सर को बुलाई देते हैं, सर हैं क्या रवि कुमार सिंह सर? तो जो क्रोनिक सर बड़ा एक बार सर बताइए आपको आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप बताइए सर। जी सर प्रणाम। एक्चुअली जो है जो क्रोनिक फिशर होते हैं सर वो बड़ी मुश्किल से हील करते हैं सर जो है, और क्योंकि एनस जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो जो अल्सर होता है वो बरीड हो जाता है इनसाइड, तो उसकी वजह से वो हीलिंग नहीं हो पाती सर। और यूजुअली ऐसे पेशेंट में जो है जो क्रॉनिक कोर्स में रन करते हैं उनका अगर कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है तो उनको सारे सिम्टम खत्म हो जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब वो फिर उनको कॉन्स्टिपेशन होगा तभी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग सर जनरली सर जो पहले उसका जो सेंटिनल टैग होता है जो कि स्किन टैग होता है उसको पहले हटा देते हैं कि जस्ट उसी के नीचे जो है अल्सर बरीड होता है, और तब उसमें हीलिंग स्टार्ट होती है सर जो है। और उसमें हम लोग रेगुलर डायलिटेशन करते हैं, और डायलिटेशन करने के बाद तब जाके उसमें सर हीलिंग होती है, तो 2 से 3 महीने सर लग जाते हैं, ये सर उसका प्रोसेस है। और एक्यूट फिशर में सर हम लोग को डायलिटेशन करने की जरूरत नहीं होती, सिंपली लेक्सेटिव दे देते हैं और वो हील कर जाता है। इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर भी कुछ होते हैं जिसमें जो है स्फिंक्टरेक्टोमी वगैरह भी डिस्क्राइब है और काफी लोग करते भी हैं, तो उससे जो है बिना डायलिटेशन के भी हील कर जाता है सर जो है, तो ये सर उसका कोर्स है सर। उसमें मैंने एक चीज कहीं इसी यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे सुना हो या कहीं सुना हो कि जैसे कोई फिशर क्रोनिक हो गया तो उसमें
सकते हैं कि मुलेठी को देशी घी के साथ में अगर अप्लाई करके थोड़ा सा रविंग करें तो ऊपर से जो वो नेक्रोज्ड स्किन है वो हट जाती है, फिर हीलिंग फास्ट हो जाती है। तो पता नहीं उसका जी जी उसमें क्यूरेटिव भी करते हैं और एक्चुअली डायलिटेशन जरूरी है क्योंकि जो क्रॉनिक अल्सर होते हैं वो चूंकि वहाँ जो मसल है वो फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होने की वजह से जो वो वुंड है अल्सर है वो बरीड हो जाता है, तो बरीड होने की वजह से वो हील नहीं करता है। तो हम लोग को डायलिटेशन करने का मतलब ये कि उसको ओपन करते हैं अल्सर को, जब ओपन करेंगे उसका सर्फेस ओपन हो जाएगा तब हीलिंग होती है उस वहां पर सर जो है। तो इसलिए डायलिटेशन मस्त है और स्किन टैग हटाना भी जरूरी है। और इसके अलावा जो हम लोग जो हीलिंग एजेंट है जैसे जैतून तेल है या शशांक रोपण घृत वगैरह ये सभी लोकली लगवाते हैं, हर्ट से बात दिलवाते हैं तब जाके सर जो हील करता है प्रॉपरली। और वैसे तो अगर आपने जैतून तेल भी सिंपली दे दिया कुछ नहीं किया तो पेशेंट को फॉर द टाइमिंग रिलीफ मिल जाता है और पेशेंट फिर नेक्स्ट टाइम तभी कंप्लेन करेगा जब तभी उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। जी सर। अच्छा इसमें जैसे हमारी तीन एनल कंडीशन बनती हैं, एक तो इसमें आपने बताया कि हमने डायलिटेशन करना है और दूसरा हमने पार्शियल स्फिंक्टरेक्टोमी करके ऑपरेट कर देना है अगर जो ये हील नहीं करता, तो दो कंडीशन तो ये निकल के आई। तीसरा मात्रा बस्ती वगैरह तो हम देके ठीक कर लेते हैं अगर जो एक्यूट केस हैं फिशर के। अगली कंडीशन जो निकल के आती है इसमें एक तो वो हम लोग कैसे डायग्नोज करें कि कई बार हम लोग बिना प्रोक्टोस्कोपी के ही या कोई सर्जन के यहाँ से डायग्नोसिस बनवा के आया है कि ये इसका फिशर का केस है, ये इसका फिस्टुला का केस है, ये इसका हेमराइड्स का केस है। तो हेमराइड्स का केस जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं किताबों में कि हेमराइड्स में ब्लीडिंग होती है, पेन नहीं होता। दूसरा फिशर में पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन वही स्टूल के साथ में चिपक के जितना आ रहा है उतना ही आता है। तीसरा जो फिस्टुला का केस है उसमें आपका पेन प्लस पस डिस्चार्ज जो कि ब्लड तो हो सकता है। तो ये चीज हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। फिर एंटीरियर जो फिस्टुला रहते हैं एनल जो डेंटेट लाइन छोड़िए जो एंटीरियर फिस्टुलाज रहते हैं गुड सोल रूल के अकॉर्डिंग उनकी ओपनिंग रेडियल डायरेक्ट एनस में खुलती है और जो पोस्टीरियर साइड के जो फिस्टुलाज होते हैं वो थोड़ा सा कर्व्ड ओपनिंग बनाते हैं एनस में लेके। तो इसमें कई बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जैसे कोई केस आया पेन लेके आया और बोला कि भाई पेन के साथ में हमारा ब्लड आ रहा है, तो पेन के में ब्लड आ रहा है तो हम लोग समझते हैं कि पेन के साथ में ब्लड है तो किताबों के अनुसार समझ लेते हैं कि ये फिशर होगा, लेकिन वो जो ब्लड होता है वो पस मिक्स्ड रहता है तो वो फिस्टुला भी हो सकता है और इन फिस्टुलाज की ओपनिंग बाहर नहीं खुली हुई होती है। जी जी ब्लाइंड फिस्टुला। तो इन दैट केसेस हम लोगों को थोड़ा सा कैसे करें इंट्राडिनल ब्लाइंड फिस्टुला दोनों हो सकता है। जी 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 कैसे करें एग्जामिन करना मस्ट है। जी जी बिना एग्जामिन किए आप जो केवल हिस्ट्री से ट्रीटमेंट दे दे तो ठीक नहीं है, इसको एग्जामिन करना मस्ट पर रेक्टल तो बहुत जरूरी है क्योंकि विदाउट एग्जामिनेशन हमारे पास कोई एनल रीजन का केस आया बोला पेन, हमने सोचा हम लोग क्या करते हैं विदाउट डूइंग एनी एग्जामिनेशन दिस इज द फिशर, ठीक है, या क्रोनिक पाइल्स हो गया तो वो भी पेन लेके आ जाता है। तो ये तो किताबों में लिखा है कि भाई पाइल्स जो है हेमराइड्स जो है वो पेन नहीं देता, लेकिन कोई पाइल्स का केस हो गया तो वो जहाँ पे थ्रॉम्बस बन गया तो वहां पे वो पेन भी लेके आ जाता है। तो ये कई बार एक तो वो तो आपको जब एग्जामिन करेंगे खुद ही दिख जाएगा सर। जी और हमारे पास जो प्रोक्टोस्कोप है वो लाइट वाले होते नहीं है तो उसमें फिर थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम। हाँ तो उसके लिए आपको लाइट ऑफ सोर्स चाहिए, फोकस लाइट चाहिए जो आप चाहे काम चलाए चाहे आपके पास लाइट इनमें हो तो आपको देखना पड़ेगा सर। एग्जामिनेशन के ट्रीटमेंट देना तो ठीक नहीं है सर।
मोटा मोटा आपने जो बताया कि पेनलेस ब्लीडिंग है तो हिमरेड्स मान लिए और पेनफुल है और ब्लीडिंग कम है या ब्लीडिंग नहीं है बर्निंग है तो वो फिशर की तरफ इंडिकेट करता है, ये मोटा मोटा सर जो है। जी सर, गुडसॉल रूल के बारे में जो मैंने बताया वो सही बताया या इसमें कुछ ऐड ऑन? जी गुडसॉल रूल है लेकिन इसका इसके एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं कि 100% हमेशा ही सही हो, सामान्यतया गुडसॉल रूल फॉलो होता है। जी अच्छा, ये एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या फिस्टुला के केसेस विदाउट ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं? अभी तो सर मुझे एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं, हम लोग तो चार सूत्र डालते हैं सर। जी वही मुझे भी लगता है कि फिस्टुला विदाउट ऑपरेशन ठीक नहीं हो सकता। आप लोग का व्यू है, अभी कंचन में हमने ठीक किया ना अपने ट्रीटमेंट से, वो फिशर का केस था सर, फिशर का। नहीं सर, मैंने इसके पहले फिशुला भी ठीक किया हुआ है। फिशुला भी ठीक किया है और हमने किया है सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी से किया है हम लोगों ने। मेरा तो सर नहीं, और जहाँ तक फिशर की बात है मैडम इंटरनली एनएस में एग्जामिन करें कि हील किया कि नहीं किया, पेशेंट को सिम्टम हो गया बात अलग है। आप थोड़ा बताइए आप सुन लीजिए, मेरा एक पेशेंट था, मेरा तीन टाइम उसका फिशुला ऑपरेट हो चुका था ऑलरेडी। अभी जब फोर्थ टाइम वो मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि कुछ ट्रीटमेंट दो, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना उसको कि अभी कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने तो बस ट्राई किया था कि मुझे ऐसा था कि अभी मेरे हिसाब मेरे मेडिसिन से या मेरे वजह से उसको ठीक हो जाए बस। तो मैंने उसको मेडिसिन दिया सर, 1 month में उसको 20% 30% आराम लगा, वो 3 महीने में पूरा 100% क्योर हो गया था। उसके बाद मुझे फिर वो 3-4 महीने के बाद मुझे दिखा ही नहीं। 3 साल के बाद उसके मम्मी पापा जब मेरे पास आए तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि क्या हुआ वो पेशेंट के साथ। तो मैंने उनको पूछा भी कि आपका बेटा तो मुझे दिखा ही नहीं, काफी सालों से नहीं आया। तो बोले उसको तो आपने पूरा ठीक कर दिया ना। मतलब मुझे ऐसे भी होता है सर बहुत बार कि पेशेंट आता नहीं फिर से ठीक होने के बाद कि चलो ठीक हो गया अभी क्यों जाना है। तो हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने आपको यही पूछना है कि मतलब मैंने भी ऐसे ट्रीटमेंट्स किए हैं तो मतलब पेशेंट की रिकरेंसी के चांसेस मैंने बहुत देखे हैं ना, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप जब 3 months के बाद पेशेंट को कुछ कुछ ऐसा बताती हैं या फिर कुछ ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए बोलती हैं या ऑयलिंग करने के लिए बोलती हैं, यू आर सजेस्टिंग समथिंग टू पेशेंट? मैम कायाकल्प तो ऑयल का उसे कंटिन्यू 1 year के लिए यूज करने के लिए बोलती हूँ, भले ही वो मेडिसिन हम धीरे धीरे करके टैपरिंग डोज में 3 महीने के बाद मैं अगर जरूरत है तो आगे के 3 महीने चलाती हूँ, नहीं तो फिर उसको काफी ठीक है। इंटरनल दवाई क्या दिया था वो बताइए पहले। सर मैंने अर्षकल्पवटी कायाकल्पवटी दिया था, केशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल और आरोग्यवर्धिनी, अभयारिष्ट कुमारियासो दिया था। और एक्चुअली अभयारिष्ट दिया था तो मैंने उसे ना हरित की वगैरह नहीं ऐड किया था, तो फिर 2 दिन लंघन बताया था और कायाकल्प तेल का जो सीरीज से अंदर डालने के लिए बोला था। और फिर वो बोली 2 दिन के बाद जैसे लंघन दिया था ना मांड पे रखा था तो उसको मोशन पास नहीं हुआ था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसलिए मैंने हरित की ऐड कर दिया था। फिर तो उसको वो मांड के साथ लेने के लिए बोला था तो उसको मोशन पास हो गया था फिर हरित की लेने से। और फिर उसको मोशन पास करते समय पेन भी नहीं हुआ क्योंकि वो 2 दिन से वैसे ही तेल डाल रही थी, तो मुझे लगा थोड़ा सा उसका हील हो गया होगा इसलिए पेन नहीं हुआ फिर पास आउट करते समय। फिर नेक्स्ट डे से उसको रेगुलर मोशन पास हुआ 4-5 दिन कंटिन्यू, तो वो बोली कि मुझे कुछ भी पेन ही नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा अभी मोशन पास हो रहा है। तो बस उसको मैंने ये समझाया कि अभी अच्छा हो गया है पर आप उसको अभी ये नहीं इग्नोर मत करना फूड को कि जैसे नहीं तो हमने खा लिया ये खा लिया वो खा लिया, उससे वो प्रॉमिस लिया। मैम का जैसे सवाल था कि रिकरेंसी का, तो मुझे तो रिकरेंसी वहां पे ही दिखी है जहाँ पे वो पेशेंट फॉलो नहीं करेगा आगे का डाइट। बाकी तो हम तो पूरा ठीक कर सकते हैं, मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि आयुर्वेद ठीक कर सकता है पूरा। जैसे एलोपैथी से भी ये लोग पूरे समझो अगर डायलिटेशन करा दिया या फिर कोई क्षार सूत्र करा दिया ये तो पेशेंट को ठीक ही करने के लिए करते हैं ना हम लोग। फिर पेशेंट अगर कोई परहेजी नहीं पाल रहा है अपथ्य कर रहा है तो उसको रिकरेंसी तो होनी है फिर, तो वो दवाई से भी होगी, दवाई खाने के बाद भी होगी या फिर कोई सर्जरी करने के बाद भी होगी। तो मेन है कि हम जैसे पेशेंट को बोलते हैं हमारी दिन आहार विहार दिनचर्या संभालो, ये इसीलिए बोलते हैं ना कि खुद को ठीक रखना है। उसको ऐसे ही समझाती हूँ मैम कि जैसे आपको क्योर चाहिए या कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल चाहिए तो फिर आप खाते पीते रहो तो मेडिसिन खा के वो कंट्रोल होता रहेगा, क्योर चाहिए तो फिर अच्छे से फॉलो करो। जैसे वो फिर पूछता है नहीं मैं कभी मुझे पिज्जा खाने का मन किया तो मैं उसको बोलती हूँ
खाना जरूर खाना पिज्जा, पर महीने में एक बार आपको खुद को फिक्स दो, फिर एक बार पिज्जा खाया तो उसको अच्छे से चबा कर खाओ, बाकी फिर नेक्स्ट डे आपको भूख लगेगी तभी खाना खाओ। उसको सब समझा देती हूँ मैम, हर एक पेशेंट को जो जो भी बीमारी जिस टाइप की भी बीमारी है उसके हिसाब से हमको समझाना पड़ता है फिर उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कहना चाहूंगा जी सर कि हमारा का मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को इरेडिकेट करना और फिस्टुला में प्रॉपर ड्रेनेज कराना, तो यही काम हम लोग सर इसमें करते हैं। तो अगर एनी हाउ आपने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इरेडिकेट कर दिया तो वो हील कर सकता है, और स्पेशली ट्यूबरकुलर फिस्टुला के बारे में तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है। और ये हो सकता है अगर मैडम ने इन्फेक्शन इरेडिकेट कर दिया हो अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से तो ठीक हो गया होगा सर, बट मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस संदर्भ में। सर ये फिसर का किस बोल रहे थे मैडम? जी सर क्या कर रहे हैं? ये फिसर का किस के बारे में बोल रहे थे शायद? ये फिस्टुला की बात हो रही है मैडम जो कर रहे हैं, फिस्टुला की बात हो रही है और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है उसमें क्या है। सर्जिकल रिमूवल ही संभव है सर, तब हम लोग ये देख रहे हैं कि सर मेडिसिन से भी ठीक हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है सर। कोई बात नहीं, अपना अपना फील्ड है, अपना अपना अनुभव है, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक डॉक्टर उपाध्याय जी जो उड़ीसा के डॉक्टर है, कल कुछ पूछना चाहते थे। डॉक्टर उपाध्याय जी, जे उपाध्याय प्रणाम। हाँ जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए, 10 मिनट टाइम है। नहीं सर, आप जो पहले बोल रहे थे कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में 30 ml का जो चीज बड़ा देना है तो उसमें से बहुत सारा दिक्कत आता है पेशेंट को देने में, तो मैंने जो दिया था उनको प्रसारण नदी कसाय के साथ सिरबला 101 आवर्ती और नाक में भी डालने के लिए वो सिरबला 101 8-10 ट्रब डालने के लिए, उसमें बहुत बहुत पेशेंट को भी दिया और अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो जरूरी है क्या था कि नहीं, वो मेरा मृदुपाकी है, मैं ये लोगों को दिया हूँ ना वो ज्यादा मात्रा में देते हैं, आप जो दे रहे हैं अपना कंपनी मेट दे रहे हैं आप दीजिए ना, आपको जैसा रिजल्ट आ रहा है। नहीं वही पूछ रहा था, 101 देंगे तो थोड़ा डोज कम करके भी दे सकते हैं तो दे सकते हैं लेकिन मैं जो देता हूँ ना उससे अच्छा रिजल्ट आता है, रिकरेंस नहीं होता। आपका बात सही है, आप जो दे रहे हैं वो सही है, ठीक है। देखिए कंचन मैम ने बहुत अच्छा बताया। हाँ सर बोलिए बोलिए सर, जो बच्चों का छोटे बच्चों जो रिफ्रैक्टरी एरर्स आता है 4, 5, 6, 7 उनको कैसा ठीक किया जा सकता है? फीवर के लिए पूछ रहे हैं बच्चों का जो रिफ्रैक्ट मायोपिया जो, अच्छा आंखों का, हाँ तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं? नहीं नहीं सिर्फ सिम्टम्स कुछ नहीं, वो पहले वो पास में देखते थे उनको टेस्ट किए तो उनको 4.5-5 आ गया, तो योगा में तो करते हैं और पांडिचेरी में जो करते हैं कुछ जो फ्रांस का कुछ थेरेपी वगैरह सीमा का वो भी ठीक कर देते हैं, लेकिन मैंने श्रीधर में भी गया था वो भी ठीक करते हैं, लेकिन मैंने मेरे पास प्रॉपर मेडिसिन नहीं है तो इसलिए पूछ रहा हूँ। आंखों का मतलब रोशनी कम हो गया, दूर का नहीं दिखता। हाँ तो इसमें हम लोग तो वृहत वास्कादि कषाय, सप्तामृत लाओ, सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गुगुल, पंचामृत लाओ गुगुल, ये सब देते हैं, नस से देते हैं तो ठीक हो जाते हैं बच्चे। छोटे बच्चे खा पाएंगे कैसे उसको? हनी के साथ मिक्स करके एक एक चुटकी चटाने में क्या है? आप एक केस बताइए तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। वही मेरा बेटी का है सर, वही पूछ रहा था। आप रिपोर्ट्स ग्रुप में भेज दीजिए फिर मैं देख के अच्छे से बता पाऊंगा, ठीक है सर? आपको कैसा लग रहा है उपाध्याय जी यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। और वो आपकी वो एक मैम आई थी सोनिया मैम, उनके बच्चे को जो हुआ था टीबी उसका क्या हुआ? पता नहीं वो सर उनका उनके पास जो डॉक्टर है शायद आपके यहाँ पे जो ग्रुप में भी है वो लेते मैडम वो ज्वाइन कर रहे हैं। क्या नाम तो है? मैंने पता नहीं सर, मैं तो 10-12 साल पहले उनके पास था। अच्छा अच्छा, तो इसलिए पता नहीं। अच्छा ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके ही उड़ीसा के हमारे प्रभात पांडा जी भी हैं, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है सर का। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर।
और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो बात कर सकते हैं। आज पवन जी नहीं है, उनकी याद आ रही है। हेलो सर। हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, मुझे एक मुझे पूछना था कि मानस मित्र वटिका जो है टेबलेट, वो पेशेंट को लगातार दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, उसमें कभी भी कोई भी दवाई दे रहे हैं, 42 डेज देके ब्रेक करके, फिर 42 डेज देके ब्रेक करके दे सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। एक्चुअली सर मेरे मेरा एक पेशेंट है, वो ले रहा था उसको, वो मतलब 2-2.5 महीने से तो ले ही रहे हैं ब्रह्मी घृत के साथ सुबह जी, और दूध के साथ, तो उनको ये है कि काफी अच्छा लग रहा है, काफी बेटर हूँ कहते मैं ये लेने से, तो मैं चाहती थी बंद कर दूं, बट उनको अभी है कि मैं लेती रहूं, तो मैंने उन्हें मना तो इंटरनेट में कुछ और चेंज कर दीजिए, थोड़ा दिन 7 दिन कुछ और दे दीजिए, फिर ऐड करने को बोलिए, फिर से लेने को, फिर और अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है सर, जैसे आप ब्राह्मी वटी दे दीजिए, ऐसे कुछ चेंज करके दीजिए 7 दिन के लिए, थोड़ा चेंज करके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर राज जी आपने कुछ मैसेज लिखा है, आप यहाँ बोली दीजिए सर। राज जी आपने चैट बॉक्स में मुझे मैसेज किया है। सर जी सर, सर बायोस के पेशेंट में अक्सर मतलब ये मुझे तो परिणाम मिलता ही है इस बात का कि जब भी हम उनको रस परपटी या पंचम परपटी साथ में देते हैं तो उसका बहुत अच्छा परिणाम पायल से मिलता है। कैसे कैसे वो काम कैसे करता है आप ये बताइए। मुझे लगता है शायद वो अग्नि को ठीक करता है, ग्रहणी कला पे काम करता है। अर्श अतिसार और ग्रहणी है, ये इंटर रिलेटेड डिजीजेज है, तो ग्रहणी कला को ठीक करता है तो अर्श अपने आप ठीक होता है। जी जी, उसी उसी के लिए मैंने लिखा है जी। आप कितना कितना देते हैं परपटी? 125 एम जी सर जी। बहुत अच्छा बताया आपने। आपको सर कैसा लगा राज जी यहाँ आके? बहुत अच्छा सर, तब से हम कंटिन्यूअसली सर जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं चीजों को जी, सभी के अनुभव। अब ये पायल्स की बात आई तो इसलिए मैंने एक छोटी सी बात अपनी अपना अनुभव भी शेयर। आप ऐसा बताते रहिएगा रजनी सिंह मैम, आप भी अपना बताते रहिएगा। देखिए मैं कम बोलता हूँ, मैं लोगों को बुलाता हूँ, आप बोलिए आप बोलिए, क्योंकि मुझे सबका सुनना। मैं भी जो भी ऐसे नोट करके रखूंगी और जब जब भी ऐसा मौका होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, थैंक यू। अभी 4 मिनट है। सरोज मिश्रा जी आप कोई शांति पाठ करेंगे या कोई प्रेयर करेंगे? सरोज मिश्रा जी सर, हाँ कुछ कर सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सरोज जी, कुछ बोलिए आप, कुछ प्रेयर या कुछ करिए, फिर हम खत्म करते हैं। कल संडे सेशन नहीं होगा, 3 बजे होगा जी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु मन तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति मेरी। मैं भूल गया सर। आप ऐसे ही करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, कोई और बोलिए फिर, ये आप बार बार भूल जाते हैं। अच्छा शांति पाठ बोलता हूँ। ओम देवं शांति अंतरिक्ष देवं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति सर्वदेवं शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। सब पूरा हो गया। ठीक है, अभी किसी को कुछ करना है तो करिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं सुबह से शाम ये लेक्चर लेक्चर लेक्चर। मनीषा मैम आप कुछ करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो बंद करते हैं सेशन। जी सर, सभी को प्रणाम, सर ने शांति पाठ कर दिया। हाँ। कल करेंगे सर। तो अभी हम रेस्ट करते हैं, आप लोग खाना खा के सो जाइए। अंजना मैम प्रणाम सबको, मोनिका मैम प्रणाम, प्रणाम आप लोग सर, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट सर, शुभ रात्रि सर, सभी को, सभी लोग प्रणाम।